नमस्कार दोस्तों, विप्रो कंपनी का यहाँ पर एक स्टॉक देखने को मिल रहा है दोस्तों। आईटी सेक्टर से रिलेटेड थे दोस्तों, और दोस्तों विप्रो कंपनी का 343 रुपए 15 पैसे पर स्टॉक का प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला दोस्तों आज की डेट में। और दोस्तों 8 रुपए 70 पैसे की गिरावट यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिली है। आज पूरा बाजार ही पूरा नेगेटिव यानी कि डाउन साइड देखने को मिला है दोस्तों। 2% की गिरावट यहाँ पर विप्रो के स्टॉक में देखने को मिली है दोस्तों। थोड़ी सी बहुत मोमेंटम स्टॉक की बन सकती है दोस्तों, मोमेंटम यहाँ पर जो की बन सकती है, अपसाइड मोमेंटम बन सकती है। बात करते हैं दोस्तों वीकली की, तो यहाँ पर स्टॉक का ब्रेकडाउन देखने को मिला है दोस्तों। भारी भरकम ब्रेकडाउन, 6.81% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है दोस्तों। और दोस्तों 28 रुपए की भारी भरकम गिरावट यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिली है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर एक महीने में अगर देखे तो यहाँ पर ही ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 8.5% के आसपास विप्रो कंपनी की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। और यहाँ पर अगर बात करें तो 35 रुपए की स्टॉक में गिरावट है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें 1 ईयर के चार्ट में, तो स्टॉक का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है यहाँ पर 380 तक बन सकता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ से बाइंग साइड मोमेंटम भी स्टॉक बना सकता है। और मार्च 2023 में ही स्टॉक की प्राइस 359 से यहाँ पर हाई पर देखने को मिली थी 435 रुपए पर। और दोस्तों 3.40 रुपए की स्टॉक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है 1 ईयर की चार्ट में। और दोस्तों 0.88% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5 ईयर की चार्ट में देखें तो स्टॉक का जो मोमेंटम बन सकता है 380 तक, अगर यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट नहीं बनाता है तो भारी ब्रेकडाउन यहाँ पर बन सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 380 पर सपोर्ट, 360 पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है, यहाँ पर भी 380 पर भी बन सकता है, और 360 पर भी स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर आप पेनी नजर बनाए रखें दोस्तों। ऑल टाइम के साथ देखे तो गिरावट होना संभावनाएं देखने को ज्यादा बन सकती है दोस्तों। और दोस्तों बात करें टुडेज लो की, तो यहाँ पर 382 रुपए टुडेज लो, टुडेज हाई 393 रुपए देखने को मिल रहा है। 52 सप्ताह का लो 352 रुपए और 52 सप्ताह का हाई 443 रुपए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेलिंग बहुत ही ज्यादा स्टॉक में देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 16% है, यानी कि अच्छी खासी परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं इसमें वित्तीय जोखिम की संभावनाएं हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।